बच्चों, मैं बलराम सिंह अपने YouTube चैनल भूमि रियल एस्टेट उद्योग में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं पढ़ने वाले हम 4 से 5 क्वेश्चन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है। बेचैनल कॉल के लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो डाल चुका हूं डेमो के लिए, तो आपने देखा होगा उसको। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बेचैनल कॉल को फिर से देख लें एक बार। जो बच्चे नए हैं, जो वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा उन्होंने, वो इस वीडियो में बेचैनल कॉल को देख लें। विचलन कोण क्या होता है? तो विचलन कोण किसे कहते हैं, ये इससे किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो डायग्राम के द्वारा देख ले सीधा सीधा। ऐसे प्रिज्म बनाए, एक प्रिज्म बनाए और प्रिज्म में से कोई प्रकाश की किरण को गुजार है। तो आपको यदि नहीं मालूम है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश की किरण इंटर करती है, प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है और अभिलंब से दूर हटती है। तो कब अभिलंब की ओर झुकती है, कब अभिलंब से दूर हटती है, स्पेशल एक प्रिज्म का वीडियो है उसमें बता दिया है। लेकिन यहां पर भी आप देख लीजिए कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वो अभिलंब की ओर झुकती है प्रकाश की किरण, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, दूर हटती है। तो ये है विरल माध्यम बाहर का, अंदर का है सघन माध्यम, फिर बाहर का विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, हल्का सा झुक गया अभिलंब की ओर। फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। क्लियर? इस प्रकार से डायरेक्शन बनेगा। तो इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और इस किरण को कहते हैं निर्गत किरण। यहां पर जो किरण होती है वो होती है अपवर्तित किरण। ये वाली किरण कौन सी किरण है? ये अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। बात आती है कि विचलन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाले कोण को, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। यानी इन दोनों किरणों के बीच में जो भी कोण बनेगा उस कोण को हम क्या कहेंगे? विचलन कोण। बनता कहां है बेटा, ये देख लीजिए। तो जब हम इस किरण को, इसका मूल डायरेक्शन यही तो है, तो जब इस किरण को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसका मूल डायरेक्शन ये है, ऐसे देख लीजिए, इसका मूल डायरेक्शन ये है, डॉट डॉट में देख लीजिए, इसका मूल डायरेक्शन ये है, इसका मूल डायरेक्शन ये है, ऐसे समझिए। तो जब इस वाली किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और इस वाली किरण को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो जहां पर ये दोनों किरण एक दूसरे को काटती हैं वहां पर कोण कौन सा बनता है? विचलन कोण। कौन सा कोण बनता है बच्चों? विचलन कोण। विचलन कोण किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। ये होता है आपका निर्गत कोण, सॉरी यहां बन जाए, यहां बन जाए, कहीं बन जाए, निर्गत कोण। और ये होता है यहां पर आपका अपवर्तन कोण, ठीक है, और ये होता है आपतन कोण, ठीक है। तो निर्गत कोण, अब इसे दर्शाते किससे है? तो इसे हम डेल से दर्शाते। किसे दर्शाते बच्चों? डेल से। किसे दर्शाते हैं? डेल से। किसे? डेल्टा से। डेल कह दो या डेल्टा कह दो, ठीक है बच्चों। तो निर्गत कोण के बारे में बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि आपतित किरण, मिटाल के रख करके रिपीट करता हूं बच्चों, समझ में सही आ जाएगा।
आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो इसको जब आगे बढ़ाया जाता है इस वाली किरण को, और इस वाली किरण को पीछे लाया जाता है, तो जहां पर ये दोनों किरण एक दूसरे को काटती हैं वहां पर कौन सा कोण बनता है, विचलन कोण बनता है, डेल्टा से इसको प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, हाँ ध्यान से देखना दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल भी ध्यान से, बोर्ड से ध्यान नहीं हटाना बिल्कुल बच्चे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, वर्षा काल में इंद्रधनुष क्यों निकलता है? आपने अधिकांशतः वर्षा काल में इंद्रधनुष देखा होगा, क्या देखा होगा, इंद्रधनुष। तो वर्षा काल में इंद्रधनुष तो आप देखते हैं, तो वर्षा काल में ही इंद्रधनुष क्यों निकलता है? हमारे आकाश में वर्षा के बाद इंद्रधनुष चमकता हुआ दिखाई देता है, क्यों देता है? तो इसका एक छोटा सा रीजन है, बहुत बड़ा भी है छोटा भी है, जिनको नहीं मालूम उनके लिए बहुत बड़ा है, जिनको मालूम है उनके लिए जरा सा है, ठीक है बच्चों। तो वर्षा काल में इंद्रधनुष कैसे दिखाई देता है, तो देखें ध्यान से देखना कि वर्षा काल में, किसमें, वर्षा काल, तो वर्षा होती है वर्षा के तुरंत बाद हमें क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। सही बात है बिल्कुल, क्या दिखाई देता है बच्चों, इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो आपने देखा होगा बारिश की जो बूंदें हैं, बारिश की जो बूंदें हैं वो एक प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, किसकी भांति कार्य करती हैं, प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, बारिश की जो बूंदें हैं वो प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। और हम जानते हैं कि जब किसी प्रिज्म में से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो अपने सात अवयवी रंगों में, कितने अवयवी रंगों में, अवयवी रंगों में, अवयवी रंगों में क्या हो जाती है बच्चों, बट जाती है, क्या हो जाती है, बट जाती है, कितने रंगों में बट जाती है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात। आप देखते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सात रंग होते हैं, ठीक है। तो हमको किस डायरेक्शन में, ऐसे करके सात रंग नजर आते हैं, क्लियर है। तो वर्षा काल में जो वर्षा की बूंदें हैं वो किसका कार्य करती हैं, एक प्रिज्म का कार्य करती हैं। और जब किसी श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म में से निकलता है तो अपने सात रंगों में बट जाता है। और आप जानते हैं कि इंद्रधनुष में भी कितने रंग होते हैं, सात, ठीक है, जिसमें लाल रंग सबसे अधिक दिखाई देता है और बैंगनी रंग सबसे कम दिखाई देता है। क्लियर है बच्चों? तो वर्षा काल में इंद्रधनुष किस कारण दिखाई देता है, प्रिज्म के कारण और बारिश की बूंदों के कारण, क्यों, क्योंकि यह एक प्रिज्म की तरह कार्य करती है। क्लियर है, जरा सी बात है। दूसरा क्वेश्चन क्लियर होता है, ठीक है। ग्रह क्यों निकटमाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो पहली बात तो ग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, पहली बात क्लियर है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता। दूसरी बात तो, और ये पृथ्वी है, लैंग्वेज समझना, समझने के बाद लैंग्वेज तुरंत समझ में आएगी बच्चों। तो ग्रह पृथ्वी से ज्यादा दूरी पर स्थित नहीं होते, बहुत ज्यादा स्थित नहीं होते, थोड़ा कम होते हैं, जैसे सूर्य है, तारा है, तारे है, काफी दूरी स्थित है, ठीक है, लेकिन ग्रह इतनी दूरी पर स्थित नहीं होते। तो ग्रह और पृथ्वी के मध्य, ग्रह और पृथ्वी के मध्य विभिन्न प्रकार की वायुमंडल की परतें पाई जाती हैं, इनकी तारों की अपेक्षा कम पाई जाएंगी, नॉर्मल सी बात है। तो ज्यादा अधिक दूरी पर स्थित नहीं होते,
तो ग्रह से आने वाली प्रकाश की किरणों को विभिन्न प्रकार की परतों से कम गुजरना पड़ता है, कम गुजरना पड़ता है, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति भी नहीं बदलती। जब प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बदलती तो ग्रह नहीं टिमटिमाते। तो पृथ्वी से ग्रह कम दूरी पर स्थित होते हैं, ग्रह से आने वाली प्रकाश की किरणों को विभिन्न परतों से कम गुजरना पड़ता है, वायु की विभिन्न परतों से कम गुजरना पड़ता है, जिससे इस प्रकाश की किरणों का विचलन कम हो पाता है। और जब कम हो पाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी कम बदल नहीं बदल पाती, और नहीं बदल पाती है जिससे हमें ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते। बात समझ में आई बच्चों? तो हमारे ग्रह पृथ्वी से कम दूरी पर स्थित होते हैं, जिससे उनसे आने वाली प्रकाश की किरणों को विभिन्न वायुमंडल की कम परतों से गुजरना पड़ता है, जिससे प्रकाश की किरण का विचलन कम होता है, ना के बराबर होता है, और पृथ्वी की स्थिति भी नहीं बदलती है। तब ऐसी कंडीशन में ग्रह नहीं टिमटिमाते। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगला क्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो बच्चों कि जब किसी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, जब किसी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को, कौन से प्रकाश को? श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, तो वो अपने साथ अवयवी रंगों में बंटता है, साथ अभी भी रंगों में बंटता है, साथ अभी भी रंगों में बंटता है, साथ अभी बट जाता है। तो जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो अपने साथ अभी अभी रंगों में बट जाता है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को, लेकिन ये घटना होती किस कारण है? विचलन कोण के कारण। तो बोलेंगे प्रकाश की इस घटना को विचलन कोण के द्वारा प्राप्त होने वाले विभिन्न रंगों, विभिन्न 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 अवयवी रंगों, अवयवी रंगों रंगों में बटना, रंगों में बटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। रंगों का अपने एक रंग का अपने साथ अवयवी रंगों में बटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण को ही तो रंग कहते हैं बच्चों। वर्ण मीन्स क्या होता है? कलर। ठीक है बच्चों? तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश की वह घटना जिसमें श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है और वह विचलन होने के कारण या विचलन कोण के कारण या विचलन होने के कारण अपने साथ अभी भी रंगों में बटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्लियर हुआ? समझ में आएगा बच्चों? अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का प्रकीर्ण। तो प्रकाश का प्रकीर्ण क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि सूर्य है, सूर्य में निकलने वाला श्वेत प्रकाश है, और श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सात रंग होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की किरण का या प्रकाश की किरण का वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित क्या धूल एवं कण के कारण, धूल एवं कण के कारण बिखर जाना किसका? प्रकाश का। बिखर जाना, एक आया ऐसे बिखर गया, फैल जाना, बिखर जाने को बोलते हैं छिटक जाना, छिटक जाना, इस प्रकार से छिटक जाता है प्रकाश, इस प्रकार से छिटक जाता है। तो प्रकाश की किरणों का वायुमंडल में उपस्थित धूल एवं मिट्टी के कणों के कारण बिखर जाना, टूट के बिखर जाना प्रकाश का प्रकीर्ण कहलाता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों का वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार की किरणों का
बिखर जाना, रंगों का बिखर जाना, प्रकाश का बिखर जाना, अभी रंगों का बिखर जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्ण कहलाता है। आपको समझ में आया होगा बच्चों, प्रकाश की किरणों का बिखर जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न है वर्ण क्रम, वर्ण क्रम। अगला प्रश्न क्या है? वर्ण क्रम, वर्ण क्रम, वर्ण क्रम। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? वर्ण क्रम। तो वर्णों का क्रम वर्ण क्रम कहलाता है। रंगों को एक लाइन से एक क्रम में लगाना क्या कहलाता है बच्चों? वर्ण क्रम। बोलेंगे कैसे कि जब किसी प्रकाश श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो अपने साथ अभी रंगों में बट जाते हैं, और जिस पर्दे पर इन रंगों को क्रमानुसार प्राप्त करते हैं उस विधि को हम क्या कहते हैं? वर्ण क्रम कहते हैं। वर्णों का रंगों का क्रम में प्राप्त होना, क्रम में प्राप्त होना क्या कहलाता है? वर्ण क्रम कहलाता है। और कौन से रंग क्रम में प्राप्त होते हैं बेटा? व, ज, नि, ह, पी, ना, ला। बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। व, ज, नि, ह, पी, ना, ला। बिब ग्योर कहते हैं इसको। बिब देखो, बिब 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 ब्लू, बिब बिब ग्योर, ग्योर ग्रीन, ग्रीन ग्योर येलो, पीला येलो ग्योर, नीला नीला ऑरेंज, ऑरेंज आर रेड। बिब ग्योर, बिब ग्योर। बैगनी सॉरी बिब ग्योर, वायलेट, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। बिब ग्योर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और आपका रेड। तो वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड। तो वर्ण क्रम किसे कहते हैं? कि वर्णों का एक सही क्रम जो अपने साथ अभी भी रंगों प्राप्त होता है उसे हम वर्ण क्रम कहते हैं। वर्ण का एक क्रम में प्राप्त होना, एक व्यवस्थित क्रम में प्राप्त होना, रंगों का एक व्यवस्थित क्रम में प्राप्त होना, प्रकाश के प्रिज्म द्वारा होने वाली घटना के बाद, प्रकाश के प्रिज्म से होने वाली घटना के बाद जो रंग एक क्रम में प्राप्त होते हैं उसे हम वर्ण क्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। बैजा निहा पीना ला, बैजा निहा पीना ला। बिब ग्योर इंडिगो वायलेट इंडिगो, बैजा नी ब्लू, बिब ग्योर ग्रीन बाई ओ आर योर, योर येलो ऑरेंज रेड। बिब ग्योर बोल सकते हैं, बिब ग्योर क्या बोल सकते हैं? बिब ग्योर। वैजा नीहा पीना ला, बैगनी जामनी नीला हरा पीला नारंगी ला। तो वर्ण क्रम का आई होप समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, हेलो बच्चों, अगला प्रश्न सूर्य रक्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्य सूर्योदय और सूर्यास्त यानी निकलने और डूबने के समय रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? रक्ताभ यानी खून के समान, रक्ताभ रक्त के समान लाल, सुरख लाल क्यों दिखाई देता है? तो देखें, जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है डूबता है, जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है, तो जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य क्या होता है बच्चों? जब सूर्य उदय होता है, क्या होता है? उदय होता है, तो इसकी प्रकाश की किरणों को वायुमंडल में उपस्थित मोटी मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। तो आने वाली प्रकाश की किरणों को वायुमंडल में उपस्थित मोटी मोटी प्रकाश की किरणों से गुजरना मोटी मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। आने वाली सूर्य की प्रकाश की किरणों को मोटी मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। बहुत मोटी मोटी परतें होती है बच्चों, बहुत मोटी मोटी होती है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्ण भी अधिक होता है, प्रकाश बहुत ज्यादा छिटकता है,
बहुत ज्यादा छिटकता है प्रकाश का प्रतिबिंब, बहुत ज्यादा होता है जब प्रकाश बहुत ज्यादा भटकता है। लेकिन लाल रंग का विचलन, लाल रंग का प्रकीर्ण बहुत कम होता है। जब लाल रंग का प्रकीर्ण बहुत कम होता है तो देखने वालों की आंखों में सिर्फ लाल रंग ही आ पाता है, ज्यादातर लाल रंग आ पाता है। जब लाल रंग ज्यादा आता भैया तो सूर्य क्या करता है, हमें रक्ताप दिखाई देता है। वही कंडीशन शाम को होती है बच्चों, जब भी सूर्य शाम को अस्त होने वाला होता है तो वायुमंडल की वही मोटी मोटी परतें आ जाती हैं, तो आने वाली प्रकाश की किरणों में केवल लाल रंग ही आ पाता है आंखों तक, जिससे हमें क्या होता है सूर्य शाम के समय और सुबह के समय रक्ताप दिखाई देता है। अब कहेंगे सर कि सर मोटी मोटी परतें क्यों होती है, तो भैया जहां विरल माध्यम होता है वहां परतें होती हैं हल्की, जहां सघन माध्यम होता है वहां परतें होती है घनी, और ठंडे मौसम में सुबह का टाइम और शाम के टाइम होती है ठंडक वायुमंडल में, और जब वायुमंडल में होती है ठंडक तो परतें होती है मोटी यानी सघन, ठीक है, जिससे प्रकाश का लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है, जिससे हमको देखने पर सिर्फ लाल रंग ही हमारी आंखों तक आ पाता है, इसलिए हमें सूर्य सुबह और शाम के समय रक्ताप दिखाई देता है। तो लैंग्वेज क्या बनती है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य हमें रक्ताप लाल रंग के कलर का प्रकीर्णन कम होने के कारण दिखाई देता है। क्लियर है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरणें वायुमंडल से आती हैं और बहुत मोटी मोटी परतों से गुजरना पड़ता है जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है। इसी कारण से हमें सुबह और शाम या सूर्योदय यानी सुबह और सूर्यास्त यानी शाम को हमें सूर्य रक्ताप लाल रंग के समान दिखाई देता है, रेड जियंट लाल दानव के समान दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है। हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, स्वच्छ आकाश, बात स्वच्छ आकाश की होती है बेटा, स्वच्छ आकाश।